एक मैया ने पूछा कि एकादशी व्रत गृहस्थी कर सकते हैं या नहीं। हाँ, एकादशी व्रत गृहस्थी कर सकते हैं, और दोनों एकादशी व्रत करनी चाहिए जो आपको भरमाता हो। सनातन धर्म में आप लोग जब भोले भाले जीवन में आप नहीं जानते हैं, तो सनातन धर्म में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि मिशनरी वाले आए, लोग वो कुछ कह के चले गए, दूसरे लोग आए वो कुछ कह के चले गए, कोई कुछ बता गया, कोई कुछ बता गया, कोई कुछ बता गया, और आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तब आप दिल से सोचा करिए, भूल जाइए कि किसने क्या कहा है। आप अपने हृदय से सोचिए, और आपको सच्ची बताऊं, हृदय से अगर आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो शिव महापुराण में एक घटना ऐसी भी है कि वो महादेव को मांस चढ़ाता था। पार्वती जी बहुत नाराज थी, लेकिन उसकी भक्ति का भी भगवान महादेव ने उसको प्रतिफल दिया, क्योंकि भोला भाला है। दूसरों ने ये किया, पुराणों ने ये कहा, लोगों ने ये कहा, और आप चालबाजी के साथ कुछ लूटने के लिए करने लग गए ना, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपके हृदय में प्रेम है, और एक बार आपने अपने पल्लू को पसार के कह दिया, बाबा मैं जिस लायक हूँ वो मेरी झोली में भर देना, तो देखना बाबा आपकी झोली जरूर भर देंगे। आप चाहे जो चढ़ा रहे हो, जो चीज़ है या नहीं है। रात हम रुद्राभिषेक कर रहे थे, मैं तो कुछ भी नहीं लाई थी, सब आप ही लोग लाए थे। कोई चावल लाया, कोई दूध लाया, कोई दही लाया, कोई शर्करा लाया, कोई गंगा जल लाया। अब पंडित जी जब कहते थे हमारे कि अक्षताम समर्पयामि, तो एक दूसरे की थाली में ढूंढते थे कोई अक्षत लाया हो तो भाई दे दो थोड़ा थोड़ा। कोई माखन लाया हो तो चढ़ा दो। शिवरात्रि पर माखन चढ़ाने का बहुत, मैं जब वृंदावन होती हूँ तो गोपेश्वर महादेव को अपनी माँ के हाथ से निकला हुआ माखन चढ़ा कर आती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज शिवरात्रि है, गंगा जल भी था, दूध दही शर्करा बहुत सारी चीज़ें थी, माखन नहीं था। तो मैं महादेव से बोला, माखन तो नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, तो मैं मेरा कलेजा चढ़ा देती हूँ, तुम इसी को माखन मान लेना। और क्या करूँ, तो जब कुछ नहीं हो तब भाव भी चढ़ा सकते हैं। आपका कुछ चढ़ाने का मन है, आप भाव भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बस आपकी भक्ति में भोलापन होना चाहिए। आपका हृदय प्रेम से भीगा भीगा सा होना चाहिए। आपने कल देखा जब पंडित जी महादेव जी को धोती और दुपट्टा पहनवा रहे थे, तो उस पर जल की छींटा मारी थी। विचार किया आपने, महादेव को सूखा कपड़ा भी नहीं पहनाया जाता, तो सूखा आदमी कहाँ से चढ़ाया जाएगा। जब सूखा कपड़ा तक नहीं पर चढ़ाया जाता, तो सूखा आदमी कैसे चढ़ेगा। तो प्रेम में भीगा भीगा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तो महादेव को चढ़ेगा।